मिठुनदा स्वागत। दोनों मुट्ठी बंद करके पूरी ताकत से बोलिए मेरे नाम, भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की। तो पश्चिम बंगाल की सियासत में आज सुपर संडे है। प्रधानमंत्री मोदी ने जहां कोलकाता में बंगाल चुनाव प्रचार का श्री गणेश किया, तो वहीं ममता बनर्जी सिलीगुड़ी में बीजेपी के खिलाफ हल्ला बोल रही हैं। अमित शाह भी अपने मिशन दक्षिण पर हैं, जहां वो तमिलनाडु और केरल में अपनी पार्टी के लिए वोट मांग रहे हैं। आपको दिखाते हैं कोलकाता से लेकर कन्याकुमारी तक का चुनावी समाचार, लेकिन उससे पहले देखिए मिथुन चक्रवर्ती के साथ हमारी एक्सक्लूसिव बात। हमारे साथ फिलहाल जुड़ रहे अभिनेता मिथुन चक्रवर्ती, उनसे बात करेंगे। दादा, आज आपको प्रधानमंत्री के साथ मंच पर देखा गया, यहीं पर कोलकाता के ब्रिगेड परेड ग्राउंड्स पर आप बीजेपी में शामिल हुए, क्या कारण है आप बीजेपी में आज शामिल हुए? ये बीजेपी ज्वाइन करने का, आप बोलते हैं क्यों बीजेपी ज्वाइन किया है ना, आप पार्टी से राजनीति से जोड़ना छोड़ दो, इंसानी तरीके से देखो, क्या बीजेपी इज द ओनली पार्टी राइट नाउ इज डूइंग समथिंग फॉर द गुड एंड आई एम फॉर द गुड, आई एम फॉर ए पॉजिटिव नेचर। I do not know what is Rajniti, I know Manushya Niti. And whenever I get a chance, I jump on it. दादा, मेरा आखिरी सवाल है आपसे, इस विधानसभा चुनाव में आपको किस रूप में देखा जाएगा, क्या आप स्टार कैंपेनर होंगे या चुनाव लड़ेंगे? देखो, ये राजनीति से बड़ा है मेरा सपना। अगर आप मेरी जिंदगी जानते हैं, मैं 18 साल पहले ही सपना देखा था कि मैं गरीबों के लिए कुछ करूँ, गरीबों को हक दिलाऊँ, गरीबों को अपना सम्मान दिलाऊं, और वो लड़ाई चलती गई, मैं हीरो बना, लेकिन मेरी फिल्में देखिए, मैं मजदूर यूनियन का यूनियन चेयरमैन रह चुका हूँ, मेरी ज़िंदगी इनसे इर्द गिर्द घूमती रहती है, तो जहाँ भी मौका मिलता है तो सपना के पीछे भागता रहता हूँ, तो ऐसा लग रहा है कि अभी शायद मेरा सपना। सर देखो, मैं जोड़ा हूँ बने, लेकिन ठीक है, मैं किसी को इसके लिए गुनहगार साबित नहीं करूंगा, ना किसी पे मैं उंगली उठाऊंगा। मैं सोचता हूँ कि माय बैड डिसीजन, मे बी माय थिंकिंग, बट मैं इसके लिए मैं किसी को उंगली उठाऊंगा। बिल्कुल सर, मैं कट्टर वामपंथी के सोच में था, और उनकी सोच का मत कारण क्या है कि वही इसे ही गरीबों को हक दिलाना, गरीबों को अपने जगह दिलाना, सोच तो वही है। नाम खाली चेंज होता जाता है, अगर सोच सही हो तो सोच अगर सही हो तो सब कुछ सही हो। विधानसभा चुनाव में क्या मैं हूँ ही ऐसा आदमी, विधानसभा चुनाव में आपका क्या रोल होगा, क्या स्टार कैंपेनर होंगे, क्या चुनाव लड़ेंगे? ये मैं चुनाव तो अभी कुछ नहीं बोलूंगा, खाली इतना बोलूंगा, अरे एक दिन में पीछे थोड़ी खत्म होती है, हम फिल्म वाले हैं यार, तो क्या धीरे धीरे अपने पत्ते खोलेंगे? बंगाल में विधानसभा चुनाव को लेकर बिगुल बज चुका है, जिसके बाद से सारी पार्टियां वोटरों को साधने में लग गई है, और आज का दिन बंगाल के सियासी संग्राम में बीजेपी के लिए बेहद खास रहा, क्योंकि आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कोलकाता के ब्रिगेड परेड मैदान में रैली करके बंगाल विधानसभा का चुनावी शंखनाद कर दिया। इस रैली में पीएम मोदी को देखने के लिए लाखों की तादाद में समर्थक जुटे थे। प्रधानमंत्री ने सबसे पहले हाथ हिलाकर जनता का अभिवादन किया, और फिर मंच पर बैठे मिथुन चक्रवर्ती से मिले, और फिर जनसभा को संबोधित करते हुए प्रधानमंत्री मोदी विपक्ष पर खूब बरसे और ममता बनर्जी पर निशाना साधते हुए कहा कि दीदी परिवारवाद से बाहर नहीं निकल पा रही और जनता के विश्वास को तोड़ रही है। बंगाल ने आपको दीदी की भूमिका में चुना था, लेकिन आपने खुद को एक ही भतीजे की बुआ तक सीमित क्यों कर दिया? बंगाल ने परिवर्तन के लिए ममता दीदी पर भरोसा किया था, लेकिन दीदी और उनके काडर ने आपका ये भरोसा तोड़ दिया।
प्रधानमंत्री मोदी ने अपने भाषण की शुरुआत मिथुन चक्रवर्ती की तारीफ से की और कहा कि मिथुन दा का संघर्ष हमारे लिए प्रेरणा देने वाला है। आज तो हमारे बीच बांग्लार छेले मिथुन चक्रवर्ती जी भी है। उनकी जीवन गाथा संघर्ष और सफलता के अद्भुत उदाहरणों से भरी हुई है। अपनी सफलता का पुण्य वो लोकनाथ बाबा के आशीर्वाद से सामान्य जनों तक पहुंचा रहे हैं। উৎসাহিত করবেন, স্বাগত জানাবেন মাননীয় মিঠুন দা। মিঠুন দা স্বাগতম, মিঠুন দা স্বাগতম। ভারত মাতা কি, ভারত মাতা কি। সিনেমা কি দুনিয়া মে বঙ্গাল কি সংস্কৃতি কা এক অহম রোল রহা হ্যায়। জয় শ্রী রাম, জয় শ্রী রাম, ভারত। मिथुन चक्रवर्ती इसी बंगाली संस्कृति का हिस्सा है और आज कोलकाता के ऐतिहासिक ब्रिगेड मैदान में प्रधानमंत्री की रैली के ठीक पहले कई दिनों से चली आ रही कयास को विराम लगाते हुए मिथुन चक्रवर्ती ने बीजेपी का दामन थाम लिया। मिथुन दा स्वागतम, मिथुन दा स्वागतम, मिथुन दा स्वागतम, मिथुन दा स्वागतम। पहले धोती कुर्ता और गले में गमछा पहने मिथुन चक्रवर्ती का मंच पर भव्य स्वागत किया गया। भारत माता की, भारत माता की। फिर बंगाल के प्रभारी कैलाश विजयवर्गीय और बंगाल बीजेपी अध्यक्ष दिलीप घोष ने उन्हें बीजेपी की सदस्यता दिलाई और फिर कुछ देर बाद मिथुन दा ने माइक संभाला और विपक्षी पार्टी पर जमकर बरसे। ये सपना नहीं तो क्या है बेटा, स्वप्न नहीं तो की करे होते पारे। एक जन जे बन एक ब्लाइंड लेने जन्मे से आज एखे इस जल ढोड़ाओ नई बेले बोड़ाओ नई आमी एक कोबरा गोखड़ो आमी। बंगाल में बीजेपी को मिथुन चक्रवर्ती से बड़ी उम्मीदें हैं। चुनाव के नतीजों के बाद ये पता चलेगा कि फिल्मी दुनिया में अपनी छाप छोड़ने वाले मिथुन दा इस चुनाव में कितनी छाप छोड़ पाए हैं। ब्रिगेड मैदान में बीजेपी की इस रैली में प्रधानमंत्री को सुनने के लिए लाखों की तादाद में लोग पहुंचे। मोदी को सुनने और देखने के लिए आए इन समर्थकों का रैली में अलग अलग अंदाज देखने को मिला। किसी के हाथों में जय श्री राम के पोस्टर थे तो किसी के सिर पर कमल का निशान सजा नजर आ रहा था। तो वहीं बिहार के रहने वाले एक मोदी समर्थक हनुमान की ड्रेस में नजर आए, जो पिछले कई सालों से लगातार मोदी की रैलियों में इसी ड्रेस में जाते हैं। मैं बिहार बेगूसराय पन्हा से आया हूँ और ये मेरा 83 कार्यक्रम है, 83वां कार्यक्रम है। मेरे श्री राम रूपी माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी दास मोदी जी पूरे भारत में कहीं जाते हैं तो मैं इसी रूप में सभा का साक्षी बनता हूँ, क्योंकि ये गरीबों की मसीहा है। ये गरीब के सेवा के लिए हमारे देश के प्रधानमंत्री बने हैं और यह देवतुल्य है, क्योंकि ये जो कहते हैं वही करते हैं, जो नहीं कहते हैं वो नहीं करते हैं। अब जरा पीएम मोदी के सबसे बड़े समर्थक को देखिए, कैसे विपक्षियों को डराने के लिए 56 इंच का सीना दिखा रहा है। इसके अलावा कोई पूरे शरीर पर भगवा रंग लगवा रहा था। कोई शंख बजाकर मोदी का समर्थन करता नजर आ रहा था। बंगाल की सियासत में आज का दिन बेहद खास रहा।
जहां एक और कोलकाता के ब्रिगेड मैदान में प्रधानमंत्री जनसभा को संबोधित कर रहे थे। तो वहीं दूसरी ओर सिलीगुड़ी में ममता बनर्जी पेट्रोल डीजल और गैस के बढ़े दामों के खिलाफ गले में सिलेंडर का पोस्टर पहनकर रोड शो कर रही थी। इस रोड शो में ममता बनर्जी के साथ हजारों की संख्या में हाथों में सिलेंडर के पोस्टर लिए महिलाएं भी शामिल थी। अपने रोड शो में ममता बनर्जी केंद्र सरकार पर जमकर बरसी। বাংলানি ইলেকশন এর আগে নরেন্দ্র মোদি তুমি ওয়ান টু ওয়ান মমতা ব্যানার্জির সাথে করো, তুমি কত খেলতে পারো আর আমি কত খেলতে পারি দেখা যাবে খেলায়, আর জো হামসে টুকরাতা হ্যায় ও চুর চুর হো জাতা হ্যায়। বিজেপি কা গড় কহে জানে ওয়ালে নর্থ বঙ্গাল মে মমতা দিদি কি নজর বিধানসভা কি 54 সিটো পর হ্যায়, জিসমে সাল 2016 মে মমতা নে 26 সিটে জিতি থি। लेकिन 2019 के लोकसभा चुनाव में बीजेपी ने नॉर्थ बंगाल की 8 सीटों में से 7 पर जीत हासिल की थी। ममता बनर्जी लोकसभा की हार को भुलाकर 2016 की तरह फिर से यहां अपनी पार्टी को मजबूत करना चाहती है। आगामी 5 राज्यों में होने वाले विधानसभा को लेकर भाजपा की तैयारियां जोरों पर हैं और बीजेपी की तरफ से अमित शाह मिशन दक्षिण पर हैं, जिससे दक्षिण भारत के 2 राज्यों में होने वाले विधानसभा के चुनाव में पार्टी सियासी रण को जीत सके। अपने दक्षिण के दौरे के पहले दिन केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह तमिलनाडु पहुंचे, जहां उन्होंने सबसे पहले सुचिंदनम मंदिर में जाकर भगवान की पूजा की, फिर कन्याकुमारी में रोड शो किया और डोर टू डोर अभियान की शुरुआत की। मैं कन्याकुमारी की सभी जनता को, सभी मतदाताओं को विनम्र अपील करना चाहता हूं कि पोन्नार को आप दिल्ली भेजिए, भारतीय जनता पार्टी को पोन्नार की जरूरत है। अमित शाह केरल के तिरुवनंतपुरम पहुंचे, जहां सबसे पहले अमित शाह रामकृष्ण मठ गए और संतों से आशीर्वाद लिया और फिर केरल विजय यात्रा में शामिल हुए। प्रेजेंटिंग बी न्यूज़ ऐप अवेलेबल ऑन गूगल प्ले एंड ऐप स्टोर, डाउनलोड इट नाउ।